भांगर में तृणमूल कांग्रेस के साथ आईएसएफ का झगड़ा चलता ही रहता है। बहुत सारे लोग इससे जख्मी भी हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, मर्डर भी हुआ है, बम ऐसे पड़ा रहता है जैसे चॉकलेट हो। तो बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बहुत ही ख़राब है और भांगर उसका एक जीता जागता सबूत है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बिगाड़ा जाता है और पुलिस रहते हुए कुछ नहीं कर पाती। एक ऐसा पुलिस है भारतवर्ष में दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये आपका भांगर है। लोग अभी डर से घर से नहीं निकल रहे, वोट देने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, बहुत जगह पे ऐसा भी हो रहा है। लोग ऐसे परिस्थिति में कैसे वोट देने के लिए जाएंगे? अगर इतना बम गिरेगा, मारपीट होगा, तो वो लोग नहीं जाएंगे। शौकत मोल्ला है वहाँ पे मारपीट कर रहा है आईएसएफ के लोगों के साथ, उसको तो दायित्व दिया गया है मारपीट करने का, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। सीबीआई का बुलावा आ गया, एक दो बार ऐसे अगर बुलावे से नहीं जाएंगे तो सीबीआई उठा के लेके जाएगा। सर इंडिया ब्लॉक का आज मीटिंग है, सर क्या कहेंगे? देखिए इंडिया ब्लॉक ऐसे ही एक नाव है जिसकी ना माझी है ना कहाँ जाना है किसी को पता है, तो बीच बीच में बैठते हैं, बैठ के खाना वाना खाते हैं, पीते, आउटिंग होते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म होता है और कुछ नहीं। दीदी तो नहीं जा रही है, पहली मीटिंग है तो दीदी का यहाँ पे इलेक्शन है, दीदी इसलिए नहीं जा रही है। अब दीदी ही बता सकती है क्या कारण है, किस लिए नहीं जा पा रही है। आपको क्या लगता है ममता जी जानबूझ के इसको अवॉइड कर रही है? ये तो ममता बनर्जी बता पाएगी, ममता बनर्जी को पॉलिटिक्स में कोई बिलीव नहीं करता। ममता बनर्जी का रोल मुलायम सिंह यादव जी का रोल जैसा हो गया है, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे किसी को पता नहीं।